हे गाइस दिस इज गुड जॉब लास्ट टाइम हमने समझा कि परम्यूटेशन क्या होता है और आज हम स्टार्ट करें सम एग्जांपल्स ऑफ परम्यूटेशन तो फर्स्ट है हमें दिया है दैट इज इक्वल टू टाइम्स और हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में परम्यूटेशन का फॉर्मूला वी गेट फाइव फैक्टोरियल फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू टाइम्स 6 factorial over 6 minus r minus 1 factorial. So here we have a bracket open. We get 2 times 6 factorial divided by 6 minus r minus minus plus. So 6 minus r plus 1 factorial, which is equal to 2 into 6 factorial. 6 plus 1, 7. We get 7 minus r factorial. So plus left hand side give 5 factorial divided by 5 minus r factorial. और राइट हैंड साइड आएगी टू टाइम्स सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेवन माइनस आर फैक्टोरियल तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो सिक्स फैक्टोरियल है इसको एक्सपेंड करेंगे और जो डिनोमिनेटर में सेवन माइनस आर फैक्टोरियल है उसको भी एक्सपेंड करेंगे सो वी कैन राइट टू टाइम्स सिक्स फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हम सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर थ्री टू तो हम सिर्फ फाइव फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे डिवाइडेड बाय सेवन फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम एक हमने इसमें कम करना है तो सेवन माइनस आर से कम क्या होगा एक सेवन माइनस आर माइनस वन तो हमें क्या मिल जाएगा सेवन माइनस वन सिक्स माइनस आर तो सेवन माइनस आर से छोटा क्या होगा सिक्स माइनस आर वैसे ही सिक्स माइनस आर से छोटा क्या होगा फाइव माइनस आर तो अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें वी कैन राइट इट है सेवन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर इंटू फाइव माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर रुक जाएंगे तो अब लेफ्ट एंड साइड और राइट एंड साइड में फाइव फैक्टोरियल है कैंसल यहाँ पे भी फाइव माइनस आर है, दोनों कैंसल तो वी गेट वन इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय सेवन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट सेवन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू सिक्स टू ट्वेल्व अब इसको सॉल्व करेंगे सो वी कैन राइट अब इसको ओपन करना है तो सेवन सिक्स फॉर्टी टू इंटू सेवन इंटू आर सेवन आर माइनस सेवन आर वैसे ही माइनस आर इंटू सिक्स वी गेट माइनस सिक्स आर एंड माइनस आर इंटू आर वी गेट आर स्केयर प्लस आर स्केयर इज इक्वल टू राइट एंड साइड ट्वेल्व तो इसको सॉल्व करते हैं वी गेट आर स्केयर सेवन आर माइनस सिक्स आर वी गेट माइनस थर्टीन आर प्लस फोर्टी टू इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्वेल्व को यहाँ लिया वी गेट आर स्केयर माइनस थर्टीन आर प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो ऐसे हम कौन से दो हमारे पास नंबर आ सकते हैं जिसको प्लस माइनस करके वी गेट थर्टीन और मल्टीप्लाई करके वी गेट थर्टी तो वो कौन से होंगे माइनस टेन और माइनस थ्री वी गेट आर स्क्केर माइनस टेन आर माइनस थ्री आर इज़ इक्वल तो टू थर्टी सॉरी माइनस प्लस थर्टी इज़ इक्वल टू तो ज़ीरो यहाँ पर फैक्टर बना रहे हैं हम मैं क्या करूँगा पहले फैक्टर बनाऊँगा हम टेन यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से ले सकते हैं हम इन दोनों में से आर कॉमन और यहाँ से ले सकते हैं हम थ्री कॉमन सो वी गेट आर इन टू आर माइनस टेन माइनस यहाँ से थ्री कॉमन लिया वी गेट थ्री इंटू आर माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो यहाँ में से भी क्या कॉमन आ गया इसमें से होल में से आर माइनस टेन कॉमन इसमें से आर माइनस टेन कॉमन सो वी गेट आर माइनस टेन इंटू आर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करा वी गेट आर इज इक्वल टू थ्री एंड सेकेंड वैल्यू इज़ आर इज़ इक्वल टू टेन तो हमारे पास प्रॉब्लम थी हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस प्रॉब्लम में और एन की वैल्यू हमारे पास इसके पास फ़ाइव ठीक है सो so आर की वैल्यू क्या होती है हमेशा एन से कम होती है एन हमारे पास फाइव है और एन हमारे पास सिक्स था एक तरफ सिक्स था एक तरफ फाइव था तो हमेशा आर की वैल्यू या तो फाइव से कम होगी सिक्स से कम होगी टेन की वैल्यू फाइव से कम नहीं है लेकिन थ्री की वैल्यू फाइव से कम है तो हम आर इस केस में क्या लेंगे थ्री तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा आर इज इक्वल टू थ्री सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे तो हमने निकाल लिया है कि कितनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हम बना सकते हैं मंडे के लेटर्स का यूज़ करके फर्स्ट है अगर हम सिर्फ चार लेटर यूज़ करें दैट इज़ आर के वैल्यू फोर सेकेंड अगर हम सारे लेटर्स का यूज़ करें दैट इज़ आर के वैल्यू इज सिक्स एंड थर्ड इस सारे लेटर्स का यूज़ करना है लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए बाउल तो फर्स्ट इज़ फर्स्ट में हमारे पास एन के वली क्या है हमारे पास टोटल लेटर्स है हमारे पास सिक्स और सेकेंड में हमारे पास आर के वैल्यू कितनी है फोर सो आर इज़ इक्वल टू फोर सो परम्यूटेशन या अरेंजमेंट जिसमें कि हम इन लेटर्स को लिख सकते हैं विद विदाउट मीनिंग विल बी एन पी आर विच इज़ इक्वल टू सिक्स PR, which is equal to us 4. So 6 factorial over 6 minus 4 factorial, which is equal to 6 factorial divided by 2 factorial, which is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 divided by 2. 2 say 2 cancel, we get 6 into 5 into 4 into 3, which is equal to 360. तो हमारे पास थ्री सिक्सटी वेज हैं जिसमें हम मंडे के लेटर्स का यूज़ करके फोर लेटर वर्ड बना सकते हैं ठीक है सेकेंड हमारे पास इसमें हम सारे लेटर्स यूज़ कर सकते हैं सो so, इस केस में हमारे पास आर की वैल्यू है सिक्स तो हमारे पास क्या आ गया एन पी आर इज़ इक्वल टू सिक्स पी सिक्स और इसकी वैल्यू क्या होगी सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस सिक्स फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई जीरो फैक्टोरियल एंड जीरो फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू वन सो वी गेट सिक्स बी सिक्स इज इक्वल टू सिक्स फैक्टोरियल और सिक्स फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू लास्ट में हमने किया था सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री जिसकी वैल्यू थ्री थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय टू विच इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी सो दो पार्ट हो गए हैं थर्ड पार्ट हमारे पास हमने सारे लेटर्स यूज करने हैं लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए वावल सो मंडे में हमारे पास टोटल लेटर्स हैं six, और हैं और वावल्स वावल्स कितने हमारे पास? ओ ए सो आर तो हमें बनाना है सिक्स लेटर वर्ड्स जिसमें फर्स्ट लेटर क्या हो वावल तो सिक्स लेटर वर्ड में हमारे पास कितने स्लॉट है? हैं फर्स्ट स्लॉट क्या होना चाहिए वावल वावल हमारे पास दो तो दो में से एक वावल यहाँ चल जाएगा और एक बच जाएगा जो कि वापस बाकी के स्लॉट्स में यूज़ हो सकता है तो बाकी के स्लॉट्स के लिए कितने हमारे पास लेटर बच गए हमारे पास थे टोटल टू वावर्स बाकी कॉन्स्ट थे हमारे पास फोर फोर में एक रह गया बच गए फाइव तो एन की वैली क्या आ गई हमारे पास फाइव तो फर्स्ट स्लॉट के लिए दो वावर्स में से एक यूज़ हो गया मतलब दो में से हम एक परम्यूटेशन कर रहे हैं तो इसकी वैली क्या आ गई टू फैक्टोरियल और बाकियों के लिए हमारे पास टोटल एन की वैल्यू है फाइव और स्लॉट भी कितने हमारे पास फाइव सो so, बाकी स्लॉट्स के लिए हमारे पास आ गया आ गया परम्यूटेशन एन पी आर इज़ इक्वल टू फाइव पी फाइव विच इज़ इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल और फर्स्ट स्लॉट के लिए हमारे पास है टू फैक्टोरियल तो टोटल परम्यूटेशन कितनी हो सकती हैं ये होगी फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई बाई टू सो वी गेट फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इज सिक्सटी सिक्सटी इंटू टू वन ट्वेंटी एंड वन ट्वेंटी इंटू टू

कहने का मतलब है अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स से फाइव ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब वन 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 टू थ्री फाइव ऑब्जेक्ट्स हैं सपोज और उसमें पी वन ऑब्जेक्ट सेम काइंड है तो पी वन ऑब्जेक्ट क्या हुए वन वन तीन बार आ रहा है वन सेम काइंड है तो वन को मान लेंगे हम कुछ पी वन ऑब्जेक्ट्स ठीक है तो ये सिंपल एग्जाम्पल आपको बताने के लिए तो सपोज हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं P1 पी वन ऑब्जेक्ट्स सेम काइंड फिर उसके बाद पी टू कुछ और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं एक ही काइंड के सो पी टू आर ऑफ सेम काइंड सिमिलरली अप टू सो ऑन पी के आर ऑफ सेम काइंड सो किसी भी ऐसी प्रॉब्लम है जिस जिसमें हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हों लेकिन उसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों जो कि खुद को रिपीट कर रहे हों लेकिन अलग अलग टाइप के तो उसकी परम्यूटेशन क्या होती है उसकी परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन इज इक्वल टू इसमें प्रम्योटेशन कैसे देते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अब जो जो सेम काइंड के हमारे पास ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल इन डिनोमिनेटर सो अगर पी वन रिपीट हो रहा है सो पी वन फैक्टोरियल इन टू पी टू फैक्टोरियल इन टू अप टू सो ऑन पी के फैक्टोरियल सो इस स्पेशल फार्मूला जिसके बेस पे हम आने वाले कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ओके लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स सो बिफोर वी डू एनी मोर प्रॉब्लम्स लेट्स डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें P1 वन ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं इफ यू हैव n ऑब्जेक्ट्स एंड विच P1 वन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड कहने का मतलब अगर हमारे पास सपोज n की वैल्यू हमारे पास सात है सात या पाँच है इफ़ यू हैव n इज इक्वल टू फाइव जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं वन वन टू थ्री एंड वन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो इन n ऑब्जेक्ट्स में पी वन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड मतलब ये जो पी वन ऑब्जेक्ट्स हैं वन 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 तीन बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम पी वन ऑब्जेक्ट्स मान रहे हैं सो वन इज ऑफ सेम काइंड खुद को रिपीट कर रहे हैं ये इसका कहने का मतलब है सो so, किसी ऐसी प्रॉब्लम में जिसके हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें पी वन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड पी टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड अप टू सो ऑन पी के ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं सो परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन विच पी वन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड पी टू आर ऑफ सेम काइंड एंड अप अपू सो ऑन पी के आर ऑफ सेम काइंड उसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो जो रिपीट हो रहा है उनका अलग से फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी वन फैक्टोरियल इन टू पी टू फैक्टोरियल अप टू सो ऑन पी के फैक्टोरियल इस फॉर्मला का हम यूज़ हम आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड डिस्टिक परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स इन मिससी पी इफ़ फोर आईज डू नॉट कम टुगेदर अब इस मिसी सी पी जो 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 हमारे पास मिसी सी पी वर्ड है इसके हमने डिस्टिक परम्यूटेशन निकाली हैं जिसमें ये जो चारों आई हैं ये एक साथ कभी ना आए तो इस केस में हम क्या करेंगे सबसे पहले सारी टोटल परम्यूटेशन निकालेंगे पूरे के पूरे लेटर्स की फिर उसके हम वो परम्यूटेशन निकालेंगे जिसमें चार वाइज एक साथ आ रहे हैं और फिर उनको अगर हम सब टेक्ट करें हमारे पास क्या आ जाएगा वो सारी परम्यूटेशन जिसमें चारो वाइज एक साथ नहीं आ रहे हैं तो फर्स्ट इज ऑल द डिस्टिंग परम्यूटेशन सो इन दिस केस एन इज इक्वल टू इलेवन तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे हमारे पास आई कितना रिपीट हो रहा है आई इज इक्वल टू फोर टाइम्स फिर एस कितना रिपीट हो रहा है फोर टाइम्स एंड देन टी इज बींग रिपीटेड टू टाइम्स सो इन दिस केस हमारे पास एन की वैल्यू इलेवन हमें परम्योटेशन निकालनी है जिसमें एन इज टू इलेवन जिसमें आई फोर टाइम रिपीट हो रहा है एस फोर टाइम रिपीट हो रहा है और पी टू टाइम रिपीट हो रहा है तो परम्यूटेशन क्या बन जाएगी इलेवन फैक्टोरियल डिवाइड बायपीट हो रहा है उनके फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू आ जाती है थ्री फोर सिक्स फाइव जीरो को इक्वल तो हमारे पास आ गई टोटल परमोटेशन इसको साइड में लिख लेते हैं थ्री फोर सिक्स फाइव ज़ीरोशंस अब हम वो सारी परम्यूटेशन निकालेंगे जिसमें आई एक साथ आ रहा है सो so, अगर हम सारे के सारे आईज को एक साथ एक जगह पे इकट्ठा कर लें तो अगर हम मान लें कि हमारे पास आई 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 चार आई एक साथ है इसको हम अगर एक लेटर मान लें अलग से और बाकी के लेटर्स को फिर से लिखें वी गेट एम एस 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 पी पी या गया हमारे पास टोटल लेटर्स तो आई अगर एक साथ आ रहा है तो हमारे पास टोटल एटर कितने बन गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो n की हो रही है किस में आ गई एट के इक्वल और रेपिटीशन किस में हो रही है एस आर हमारे पास फोर टाइम्स पी आर हमारे पास टू टाइम्स तो इस केस में परमुटेशन क्या आ जाएगी वी गेट एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं दैट इज़ फोर फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल तो ऑल द परमुटेशन इन विच फोर आईज कम टुगेदर इज इक्वल टू एट हंड्रेड एंड फोर्टी तुम्हारे पास टोटल परम्यूटेशन हैं वो सारी परम्यूटेशन हैं जिसमें आई एक साथ आ रहा है तो हमें वो निकाल लिया है जिसमें आई एक साथ ना आ रहा हूँ तो हम क्या करेंगे टोटल में से जिसमें आई एक साथ आ रहा है उसको सब्टेक्ट करेंगे सो वी गेट ऑल द total permutations in which four i's do not come together is equal to 3 4 6 5 0 minus 840 which is equal to 3 3 8 1 0 so for the next problem we have to find out that in how many ways the letters in the word permutations can be arranged if the word starts with p and end with s second if vowels are together मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है हमने वो सारी अरेंजमेंट निकालनी है जिसमें ये जो परम्यूटेशन है इसकी लेटर्स में फर्स्ट लेटर पी हो सेकेंड लास्ट लेटर एस हो मतलब एस और पी हमारे पास फिक्स्ड है इनकी वैल्यू या इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती तो हमारे पास बाकी कितने के लेटर्स बच गए हमारे पास बच गए ई आर एम यू टेन्स मतलब टोटल एन इज़ इक्वल टू हो गया हमारे पास टेन क्योंकि बाकी पोजीशन क्या है प्री ऑक्यूपाइड है और हमें क्या निकालना है इसकी अरेंजमेंट्स तो इस केस में रिपीटिशन किसकी हो रही है टी दो बार रिपीट हो रहा है टी रिपीट हो रहा है टू टाइम्स सो ऑल द परम्यूटेशन विच द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और हमारे पास एन की वैल्यू इस बार टेन सो वी गेट टेन फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है दैट इज़ टू फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इजिक्वल टू 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 से टू कैंसर और इस पूरे मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आ जाती है वन एट वन डबल फोर डबल जीरो सो दीज आर ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड पर मोटेशन विच फर्स्ट लेटर इज़ पी एंड लास्ट लेटर इज़ एस सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड ऑल द अरेंजमेंट जिसमें बाउल्स एक सताते हूँ तो इसमें कितने बाउल्स हैं वी हैव ई यू ए आई एंड ओ टोटल बाउल्स कितने हैं Vowels is equal to five. ये सारे वाउल्स एक साथ आते हैं तो अगर हम इन सारे वावल्स को एक साथ लिख लें वन टू थ्री फोर फाइव वावल्स तो बाकी कितने लेटर्स बचते हैं हमारे पास सेवन लेटर्स इन सब को एक्सक्लूड कर दे वी गेट सेवन लेटर्स तो इन टोटल कितने लेटर हो गए हमारे पास अगर हम सारे वावल्स को एक लेटर मान रहे हैं लेस्ट रिमेनिंग लेटर्स आर सेवन सो टोटल वैल्यू ऑफ एन इज इकल टू एट ठीक है अब इन बाकी जो टोटल एट वैल्यूज आ गए हमारे पास एन की वैल्यू एट है उसमें रेपिटेशन किसकी हो रही है टी की टू टाइम्स सो वी गेट परम्यूटेशन इज इक्वल टू एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल लेकिन ये जो पांच वाउल है ये आपस में भी पांच टाइप से पर, आ, अरेंज हो सकते हैं तो हमारे पास एन की वैल्यू इस केस में कितनी है फाइव और आर की वैल्यू भी कितनी है फाइव सो वी गेट एन पी आर इज़ इक्वल टू फाइव पी फाइव विच इज़ इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल सो ऑल द अरेंजमेंट जिसमें वावल्स एक साथ आएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? एट फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये जो सारे वावल्स हैं उनके अरेंजमेंट विच इज़ इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू टू फोर वन नाइन टू डबल जीरो विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट सो गायस दिस वॉज इट फॉर टूडे नेक्स्ट टाइम विल बिगिन विद टिल कीप प्रैक्टिसिंग